हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ योजना क्रमांक 4। इससे पहले हमने 3 देख लिए हैं, अब देखेंगे पाठ योजना क्रमांक 4 जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना क्रमांक 4 का फर्स्ट पॉइंट परिचयात्मक जानकारी। इसमें आपको आपका नाम लिखना है, जो कि छात्र अध्यापिका का नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम। कक्षा 9th के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये 9th का है ये टॉपिक। विषय विज्ञान, आप यहाँ पर रसायन विज्ञान भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकरण समस्थानिक और संभारी। विज्ञान इसलिए लिखा है क्योंकि ये 9th तक जो होता है वो विज्ञान ही टॉपिक होता है। ठीक है, विज्ञान में ही सारे भौतिक रासायनिक सब मिक्स होते हैं, इसीलिए तो आप लोग रसायन विज्ञान भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकरण समस्थानिक और संभारिक। दिनांक आप अपना दिनांक डाल लीजिएगा। समय 35 से 40 मिनट और कलांश थर्ड, मतलब पीरियड आपका थर्ड है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो अब देखिए सामान्य उद्देश्य में पहला क्या है, बच्चों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को परमाणु संरचना मूल कणों की जानकारी प्रदान करना, बच्चों को विज्ञान विषय के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। ठीक है, चौथा पॉइंट है बच्चों को मूल कणों के गुणधर्मों से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। चलिए विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। पहला पॉइंट है बच्चे समस्थानिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है बच्चे संभारिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है बच्चे परमाणु क्रमांक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और चौथा है बच्चे द्रव्यमान संख्या के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है शिक्षण विधि, इसमें प्रश्नोत्तर और स्पष्टीकरण विधि है। पांचवा है सहायक सामग्री, इसमें आपको परमाणु के मूल कणों के लक्षणों पर आधारित चार्ट, चौक, ब्लैकबोर्ड, डस्टर और बुक। पूर्व ज्ञान छठा पॉइंट है, बच्चे परमाणु तथा परमाणु के मूल कणों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोगों को 3 कॉलम सिस्टोमेटिक बनाना है, 3 कॉलम अच्छे लगते हैं। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे तो आपका काम सिस्टोमेटिक लगेगा। तो आपको पहले क्रमांक लिखना है, फिर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, आप जो भी हैं, फिर छात्र क्रिया। तो पहले देखते हैं किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, परमाणु। दूसरा है किसी तत्व के परमाणु के अंदर कौन कौन से मूल कण रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीसरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में। नाभिक में स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या क्या कहलाती है, तो परमाणु क्रमांक। पांचवा है भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं, यहाँ मौन समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आठवां पॉइंट है। बच्चों आज हम लोग समस्थानिक तथा संभारिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नौवां है प्रस्तुतिकरण, इसमें 5 कॉलम बनाना है आपको, जो कि एक थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वहाँ पर क्रमांक आएगा, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट कार। पहला पॉइंट देखेंगे परमाणु क्रमांक, इसमें पहला प्रश्न करेंगे परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताइए, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे स्पष्टीकरण, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उदाहरण 20, इसके ऊपर सी ए, फिर 40 में परमाणु क्रमांक इक्वल प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 20। ठीक है, तो इस धर हम लिख देंगे, छात्र ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अगला है द्रव्यमान संख्या, इसमें प्रश्न करेंगे द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है, छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम बताएंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छात्र ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर चाहे श्याम पटकार में कुछ लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, इसको इसकी क्या इसकी परिभाषा का ये
जैसे कि a बराबर p प्लस एन या a बराबर z प्लस एन, आप चाहें तो यहाँ पर चिपका भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है समस्थानिक प्रश्न। समस्थानिक किसे कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है 1H1, फिर 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। फिर अगला है संभारिक। इधर आप लोग लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर संभारिक प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न करेंगे संभारिक किसे कहते हैं, फिर छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण, 18 Ar 40, ठीक है। फिर 20 Ca 40, आर्गन कैल्शियम 6 C 14, 7 N 14, तो कार्बन और नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोगों को श्याम पटकार में लिखना है तो आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये समाप्त होता है। 10th पॉइंट स्टार्ट होता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पहले करेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं, फिर दूसरा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तीसरा नाभिक में कौन कौन से मूल कण रहते हैं, फिर 11वां है कक्षाकार, संभारिक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, 12वां है गृहकार, समस्थानिक परमाणुओं ए तथा बी की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 35 और 37 है। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 13वां पॉइंट है श्याम पट्ट सार। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक शीट चिपकाना है, इसमें छात्राध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश, परमाणु क्रमांक, प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, समस्थानिक हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3, संभारिक C6, C14, 7N14, कार्बन, नाइट्रोजन। इस प्रकार से हमारा पाठ योजना क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने 3 करवा दिए हैं। इससे पहले मैंने 20 लेसन प्लान बायोलॉजी के शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, उसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, प्लेलिस्ट, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, वो भी पूरा लेसन प्लान का है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप डाउट हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर कम्प्लीट समाप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।